हम इस वीडियो में प्रूव करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, एंगल एबीसी ले लिया हमने, ये 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री के एंगल का जो साइड होता है वो हमारा कर्म होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, इसे हम एल से डिनोट करते हैं। ये हमारा बेस है, आधार है, बी से डिनोट करते हैं, और ये हमारा परपेंडिकुलर है, लंब है, पी से डिनोट करते हैं। इन तीनों साइड में क्या रिलेशन होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। अगर हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर देंगे तो इक्वल होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम ये देखते हैं साइन थीटा का मान होता है पी बाई एच, स्क्वायर है तो यहाँ पर हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस राइट करेंगे, कॉस थीटा बी बाई एच, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया हमने यहाँ पर, पी के स्क्वायर बटे में एच के स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, बी के स्क्वायर बटे में एच के स्क्वायर। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एच स्क्वायर, एच स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा एक बार में, पी स्क्वायर से हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, एच स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में कट जाएगा, फिर हम बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो बी स्क्वायर, और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा यहाँ पर एच स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर कट गया, यहाँ पर 1 आ गया,